नमस्कार दोस्तों, सीएसएल नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से दिल खोल के स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। और सेल से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, सभी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन भी देखेंगे रिलेटेड सेल्स, जितने भी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा मेरे साथ में। तो देखिए सेल के बारे में, सेल होती क्या है। तो वीडियो पे आ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं सेल के बारे में, सेल होती क्या है। सेल की पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे आज सेल का। तो देखिए सेल होती क्या है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपकी लाइफ है, जिंदगी है, उसकी इकाई है, यूनिट है। कौन? सेल। कौन है? सेल। देखो सेल, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, सेल क्या है? बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है, इसकी बॉडी की, हम बोल सकते हैं लाइफ की। देखिए सेल और सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? आपका टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू बनाती है, और टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और सिस्टम मिलकर के क्या करते हैं? आपकी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ की क्या है? यूनिट है, इकाई है। तो आप लोग सभी मेरे दोस्त एक बार सेल को प्रणाम कीजिए, क्योंकि सेल से ही आपको क्या मिली है? लाइफ मिली है। तो एक बात का ध्यान रखना, विदाउट सेल के अगर सेल नहीं है वो ऑर्गन खत्म है, ऑर्गन काम नहीं करेगा। मैंने बताया सेल और सेल मिलकर के क्या बनाती है? टिश्यू, और टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। तो ध्यान दीजिएगा कौन सी यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। तो देखिए सेल को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं साइटोलॉजी क्या होती है। देखो साइटो वर्ड यूज होता है किसके लिए? सेल के लिए मेरे दोस्तों, किसके लिए होता है? सेल के लिए। और लॉजी वर्ड यूज होता है स्टडी के लिए, किसके लिए यूज होता है? स्टडी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्टडी ऑफ द सेल, स्टडी ऑफ द सेल, सेल की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, या और हम बोल सकते हैं बॉडी। तो क्या है सेल? क्या है? आपकी बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। मैंने लिखा आगे सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो देखिए हम बात करते हैं जो आपका सेल वर्ड है, क्या है? सेल वर्ड है, वो किससे ड्राइव्ड हुआ है? आपका जो सेल वर्ड है ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, किससे? लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। जो लैटिन वर्ड कौन सा? आपका सेलुला वर्ड है। कौन सा है? सेलुला, या हम बोल सकते हैं इसको सेलुस बोल सकते हैं। इससे क्या है आपका सेल ड्राइव्ड हुआ है, जो सेलुस है, सेलुला है, वो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है मेरे दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं कि सेल डिस्कवर्ड बाय, सेल की खोज किसने की थी, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो आंसर दीजिएगा किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? इन 1965 सॉरी इन 1665 के अंदर, 1665 के अंदर सेल की क्या की थी? डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन सी सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। तो मैंने लिखा डेड सेल डिस्कवर्ड बाई, तो आंसर दीजिएगा किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी मेरे दोस्तों। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। देखिए फादर ऑफ सेल, जो आपका कोशिका है, सेल है, उसके फादर कौन है, उसके पिता कौन है? तो आंसर दीजिएगा क्या? रॉबर्ट हुक है। क्या है? रॉबर्ट हुक। सेल के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। देखिए फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के फादर कौन है, साइटोलॉजी के फादर कौन है? तो आंसर दीजिएगा क्या? रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। देखिए फिर अगला सेंटेंस हमारा, जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, देखिए एंटन वॉन लीवेनहॉक, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने क्या की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। हुक ने की थी क्या? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। देखिए सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी किसने दी थी? देखिए मैंने लिखा है सेल थ्योरी किसने दी थी?
सेलेंडन एंड स्वान ने क्या दी थी, सेल की थ्योरी दी थी, सेल के बारे में बताया था, सेल की थ्योरी दी थी किसने, सेलेंडन एंड स्वान। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल, सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, इसकी लाइफ की या बॉडी की। देखिए आगे बात करते हैं, सेल लैटिन वर्ड है कहां से, सॉरी सेल ड्राइव्ड कहां, वो किससे हुआ है, लैटिन वर्ड से, जो लैटिन वर्ड कौन सा है, सेलुला, कौन सा है, सेलुला वर्ड है। फिर भी हमने बात की सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी, इन 1665 के अंदर, बोले तो 1665 के अंदर। फादर ऑफ सेल, फादर कौन है सेल के, तो रॉबर्ट हुक है, कौन है, रॉबर्ट हुक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट हुक है। हम बात करें लिविंग सेल, डेड सेल की डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटन वॉन लीवन ने, एंटन वॉन लीवन हुक ने की थी। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्विट्जरलैंड एंड स्वान ने दी थी। देखिए चलो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो मैंने बताए इनमें से। अब बात आती है कि बॉडी की, सॉरी लार्जेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, जो आपकी बॉडी है उसकी लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों क्या होती है, न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन होती है। हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल इन फेल मेल, लॉन्गेस्ट सेल इन मेल, मेल के अंदर जो लॉन्ग लार्जेस्ट सेल होती है, सॉरी मेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होती है वो क्या होती है, स्पर्म होती है। क्या होती है, स्पर्म होती है। क्या होती है, स्पर्म होती है। लार्जेस्ट सेल इन मेल, मेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होती है कौन सी होती है, स्पर्म होती है। लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, फीमेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ओवम होती है। क्या होती है, ओवम होती है। जो मैंने अब तक पढ़ाया इनमें से कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है सेल के बारे में, इनसे रिलेटेड जो मैंने बताया इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से दीजिएगा। सोफिया मेरे साथ में 30-40 मिनट और पढ़ेंगे हम सेल के बारे में, देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि और स्टूडेंट्स या और माई फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके। देखिए हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर। देखिए सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल देखो तीन पार्ट से मिलकर बना है। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो सेल के अंदर कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। देखिए एक तो ये वाला पार्ट, एक क्या हो गया आपका न्यूक्लियस, ये क्या हो गया सेंटर वाला पार्ट, ये कौन सा हो गया आउटर पार्ट, ये कौन सा हो गया मिडिल पार्ट। देखिए ये कौन सा पार्ट हो गया आपका सेंटर पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हो गया सेल का सेंटर पार्ट हो गया। अगर हम ये बात करें ये कौन सा पार्ट हो गया या मिडिल पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हो गया मेरे दोस्तों मिडिल पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया आपका सेल का आउटर पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हो गया आउटर पार्ट हो गया। देखिए सेल तीन पार्ट से मिलकर बना है, कौन कौन से, आउटर पार्ट से, सेंटर पार्ट से और मिडिल पार्ट से। देखिए जो आउटर पार्ट है उसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, क्या होती है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म मिडिल पार्ट। जो सेंटर के अंदर जो डार्क जोन कलर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर सेल में कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, सेंटर वाला, मिडिल और वाला, आउटर वाला। देखिए सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं, हम किसको देखते हैं सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए सेल का डायग्राम बनाया मैंने मेरे दोस्तों, सेल को अच्छे से देखिए, डायग्राम को अच्छे से देखिए सारे के सारे। जो आपको ये आउटर के अंदर रेड कलर का ये दिख रहा है, आपको आउटर कलर की जो ये कवरिंग दिख रही है इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों क्या, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मैंने लिखा है देखो आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो इसके जस्ट बाद में कौन है आपका साइटोप्लाज्म है, जो ये खाली स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस है, ये सारा का सारा आपका क्या है साइटोप्लाज्म है, क्या है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या करते रहते हैं फ्लोटिंग करते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं, फ्लोट तैरते रहते हैं। जो फ्लोटिंग करते हैं जैसे कौन कौन से हो गए आपके गोल्जी अपैरेटस हो गए। देखिए जो ये आपको शेप दिख रही है ये किसकी है, गोल्जी अपैरेटस की, किसकी गोल्जी अपैरेटस की। देखिए दोस्तों ये शेप क्या है सेल के अंदर गोल्जी अपैरेटस की, क्या है गोल्जी अपैरेटस की।
जो गोल्ची अपेरेटस के पास में ये राउंड शेप का ब्लैक ब्लैक कलर तो आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। देखिए इसके बाद में हम बात करें, देखो ये क्या है सेंटर के अंदर जो मैंने डार्क जो डार्क कलर का बना रखा है, डार्क रेड कलर का बनाता है इसको बना रखा है, इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों क्या, न्यूक्लियस, जो किसके अंदर सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है डार्क जोन कलर का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए न्यूक्लियस के पास में ये आपको कोमा शेप का जो ये दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों क्रोमेटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रोमेटिन। देखिए सेल के इस साइड में देखिए जो ब्लैक ब्लैक कलर से बन रहा है इसके कांटे से लगे हुए हैं कॉम्ब जैसे मलदाते हैं एक तरीके से, इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। देखिए इसके पास में जो रेड कलर का है, रेड कलर की स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्या बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे एक एक को, सबको टेंशन ना लीजिएगा, सबको एक्सप्लेन करेंगे एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, ये कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये कौन सा हो गया आपका रेड कलर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए जो आपको ये राउंड शेप का दिख रहा है रेड कलर के अंदर जिसमें ब्लैक कलर की डॉटेड है इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों लाइसोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाइसोसोम बोलते हैं, सेल का क्या ओरिजिनल है लाइसोसोम है। जो ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये देखिए जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसके अंदर राइट कलर रेड कलर के क्या है जो टिक्स है ये देखिए जो ब्लैक कलर का इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों सेंट्रोसोम, क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो आपको ये ब्लैक कलर के डॉट 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 दिख रहे हैं राउंड से भी ये डॉट दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं राइबोसोम, क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों राइबोसोम, क्या बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, क्या बोलते हैं राइबोसोम। देखिए जो ये आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या होगी आपकी सेल की स्ट्रक्चर होगी, सेल का डायग्राम होगी, या सेल का डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जो मेरे दोस्तों ने नहीं बनाया नोट्स अच्छे से बनाना, लिख लिख के बनाना, ठीक है। देखो चलो आगे चलते हैं, हमने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल देयर आर फॉलोइंग ऑरेंजियल्स, देखो कौन कौन से ऑरेंजियल्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है, सॉरी कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है, तो देखिए कौन कौन सा है आपका, एक तो कौन सा हो गया सेल मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल की सेल मेम्ब्रेन, क्या होगी सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड आता है आपका साइटोप्लाज्म, क्या हो गया साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है आपका, एक तो देखिए इधर सारे के सारे गोल्ची अपेरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे के सारे किसके अंदर है साइटोप्लाज्म के अंदर है, किसके अंदर है साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर क्या आएगा देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर बात करें तो क्या आएगा आपका गोल्ची अपेरेटस, क्या आएगा गोल्ची अपेरेटस, गोल्ची अपेरेटस। फिर देखिए आपका क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्या हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर आपका क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए क्या बच गया लाइसोसोम, क्या है लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम, 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 लाइसोसोम के बाद में देखिए क्या है आपका राइबोसोम, क्या है आपका राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम के बाद में देखिए क्या आपका सेंट्रोसोम, क्या है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। फिर क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए ये आउटर कवरिंग का क्या नाम दिया हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों, क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्ची अपेरेटस आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आ गया आपका, और क्या आ गया लाइसोसोम आ गया, राइबोसोम आ गया, सेंट्रोसोम आ गया, और क्या आ गया माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, क्या आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। और मेरे दोस्तों ये जो आपको सेंटर के अंदर दिख रहा है
रेड कलर का, डार्क रेड कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो देखिए सेल की स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर सेल की स्ट्रक्चर के अंदर हम किस किस को पढ़ेंगे, किस किस को एक्सप्लेन करेंगे? एक तो करेंगे आपकी सेल मेम्ब्रेन को, किसको करेंगे? सेल मेम्ब्रेन को उसे एक्सप्लेन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, सब कुछ जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फिर एक्सप्लेन करेंगे साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म में किस किस को करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी अपैरेटस को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रोसोम को, लाइसोसोम को। देखिए मेरे दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेल के बारे में, किसके बारे में, सेल के बारे में, साइटोलॉजी क्या होती है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल जो वर्ड है कहां से डिस्कवर, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, जो सेल वर्ड है कहां से ड्राइव्ड हुआ है, सेल डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल के फादर कौन है, सेल के फादर कौन है, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी। फिर हमने पढ़ा सेल थ्योरी किसने दी थी, लार्जेस्ट सेल कौन सी है आपकी बॉडी की, लार्जेस्ट सेल कौन सी है आपकी बॉडी की। फिर हमने पढ़ा क्या, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है मेल के अंदर, मेल के अंदर लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, कौन सी, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ की बॉडी, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, आपकी जो बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल वो कौन सी है, न्यूरॉन है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है मेल के अंदर, स्पर्म है। सॉरी लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, फीमेल के अंदर क्या है, ओवम है, क्या है, ओवम है। फिर हमने क्या देखा, सेल का डायग्राम देखा, जो मैंने आपको ये बताया है, एक्सप्लेन किया, अब एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन को, किसको, साइटोप्लाज्म को, गोल्जी अपैरेटस को, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ईआर को, और किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, सेंट्रोसोम को, और किसको, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। चलो क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक करो, शेयर करो। देखिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखिए सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोस्तों। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल की क्या है, आउटर कवरिंग है, क्या है, आउटर कवरिंग है। देखो मैंने सेल का डायग्राम बताया था, बीच में न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म होता है, सेल का ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है मेनली कंसिस्ट है, मिलकर के बनी है, किसे, तीन कंपोनेंट से मिलकर के बनी है। जो पहला कंपोनेंट कौन सा है, आपका प्रोटीन है, सेकंड कंपोनेंट क्या है, लिपिड है, थर्ड कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से मिलकर के आपकी क्या होती है, सेल मिलकर के बनी हुई होती है। प्रोटीन की बात करें तो कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। लिपिड की बात करें तो कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। कितना होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। देखिए प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कौन सा होता है, आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड की बात करें तो लिपिड कौन सा होता है, आपका फॉस्फोलिपिड होता है। कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। देखिए मैं बोल सकता हूं कि ग्लाइकोप्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है, सेल की आउटर कवरिंग बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है। देखो हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की, तो ग्लाइकोप्रोटीन कितना होता है, फॉस्फोलिपिड कितना होता है, और आपका कार्बोहाइड्रेट कितना होता है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है 55% होता है ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड होता है आपका 45%, और कार्बोहाइड्रेट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितना होता है, 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है। तो इनसे मिलकर के क्या बनती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनती है। क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन। मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम क्या है उसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने लिखा है सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। देखिए सबसे पहली तो साइज प्रोवाइड करती है, और क्या करती है, सेप प्रोवाइड करती है, किसका, सेल का, किसका, सेल का, कोशिका का जो साइज है, शेप है, कितनी बड़ी है, कैसी है। देखो ये कैसी है, राउंड शेप की, ये कैसी है,
क्यूब शेप की होगी तो राउंड शेप, क्यूब शेप और साइज कितनी बड़ी है कितना छोटा है, ये सारी की सारी क्या करती है, साइज और शेप प्रोवाइड करती है किसको, सेल को, कौन, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेकंड फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंजरी, जो सेल को होने वाली एक्सटर्नल इंजरी है उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कौन, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए थर्ड फंक्शन है आपका होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल, जो आपके सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, जैसे मान लो ये सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, राइबोसोम है, और भी काफी सारे जैसे सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, इनको क्या करके रखती है, इन जो कंटेंट है इनको क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है, क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है आपकी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट फंक्शन है आपका फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिकॉज इट इज सिलेक्टिव परमेबल, परमेबल। देखो सिलेक्टिव परमेबल क्या होता है, अगर हम बात करें सिलेक्टिव परमेबल की तो देखिए हमने लिखा है फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिकॉज इट इज सिलेक्टिव परमेबल। देखिए परमेबल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम बोलते हैं अलाउ करना, क्या करना, अलाउ करना, एक तरीके से अलाउड, सिलेक्टिव को ही क्या करती है, अलाउड करती है क्या, सेल मेम्ब्रेन अंदर और बाहर जाने को, जैसे बाहर आने अंदर जा रही है कोई और कोई बाहर आ रहा है, उसको क्या करती है, सिलेक्टिव कोई कुछ कोई क्या करती है, परमिट देती है, अलाउ करती है, क्या करती है, अलाउ करती है क्या, आपकी सेल मेम्ब्रेन करती है, क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है कुछ मटेरियल्स को, ठीक है। ये आपकी क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखा, फिर हमने क्या देखा, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलो आगे चलते हैं, साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा क्या, सेल मेम्ब्रेन, ना पढ़ते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज द मिडिल पार्ट ऑफ सेल सिचुएटेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस नेम्ड एज साइटोप्लाज्म। देखिए मैं जब मैंने आपको सेल बताई थी, सेल कुछ ऐसे बताई थी राउंड शेप की, जैसे मान लो सेल ये क्या है, सेल आपकी क्या है, सेल ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, क्या है आपका न्यूक्लियस, ये सेंटर के अंदर ये आपका क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है साइटोप्लाज्म है, क्या है साइटोप्लाज्म। देखिए हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म क्या है, मिडिल पार्ट, मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा है, आउटर पार्ट, न्यूक्लियस कौन सा है, सेंटर का पार्ट सेल का, मिडिल पार्ट कौन सा है, साइटोप्लाज्म। देखिए मिडिल पार्ट ऑफ सेल क्या है, साइटोप्लाज्म सेल का मिडिल पार्ट है, बीच वाला भाग है, सिचुएटेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देखिए ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के जो बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए द फ्लूइड प्रेजेंट इन इनसाइड, the fluid present inside the cell formed by 70-80% water, जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूड प्रेजेंट होता है अंदर की साइड में, साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूड प्रेजेंट होता है, जिसमें से कौन सा फ्लूड को 70-80% भाग है उसका कौन बनाता है, वाटर बनाता है, कौन बनाता है, वाटर बनाता है, हम बोल सकते हैं वाटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर 70-80%। देखिए इन साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल प्लॉट, जो आपका साइटोप्लाज्म है, क्या है आपका जो साइटोप्लाज्म है सेल का, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, जितने भी हैं वो क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। देखिए अब हम देखते हैं इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले ऑर्गेनेल्स आता है आपका गोल्जी अपैरेटस। देखिए गोल्जी अपैरेटस की बात करें तो गोल्जी अपैरेटस को और हम क्या बोलते हैं, गोल्जी गोल्जी बॉडी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हमने लिखा है क्या, गोल्जी अपैरेटस आल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो क्या बोलेंगे गोल्जी अपैरेटस को, एक तो हम बोलते हैं क्या, गोल्जी बॉडी, एक क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बात करें कि गोल्जी बॉडी की ये डिस्कवरी किसने की थी, तो हम बात करें कौन किया था, कैमिलो गोल्जी ने की थी, किसने की थी डिस्कवरी,
डिस्कवरी किसने की थी गोल्की बॉडी की, तो आप आंसर दीजिएगा कैमिलो गोल्की ने की थी। कब की थी? इन 1898 के अंदर की थी। कब की थी? इन 1898 के अंदर की थी। कौन किसके अंदर की थी? नर्व सेल के अंदर की थी। किसके अंदर की थी? नर्व सेल के अंदर की थी। मैंने बताया था कि कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड काफी क्वेश्चन निकल के आएंगे सेल से। देखिए काफी क्वेश्चन बनते हैं। गोल्ची अपरेटस का दूसरा नाम क्या है? गोल्ची बॉडी, गोल्ची कॉम्प्लेक्स है तीसरा नाम। देखो डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था गोल्की बॉडी, तो नाम दीजिएगा किस आंसर दीजिएगा कैमिलो गोल्की ने की थी। कब किया था? 1898 के अंदर किया था। किसमें की थी? नर्व सेल के अंदर की थी। किसके अंदर की थी? नर्व सेल के अंदर की थी। देखिए गोल नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गोल्की बॉडी इज द मेम्ब्रियस बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या है? गोल्ची बॉडी मेम्ब्रियस बाउंड ऑफ ऑर्गेनल्स है। क्या करता है? दैट हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन विच फॉर्म्ड बाय ईआर। जो आपका प्रोटीन है जो किससे बना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। उसको क्या करने का काम करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है। और क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। कौन? गोल्की बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्ची बॉडी करता है। देखिए हम बात करते हैं सिंगल, देखिए सिंगल सिस्टेंस, सिंगल सिस्टेंस सैक इज कॉल्ड गोल्की बॉडी। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टेनाइन। क्या बोलते हैं? सिस्टेनाइन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टेनाइन। क्या बोलते हैं? सिस्टेनाइन। देखिए जो ये सिंगल सिस्टेनाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? गोल्की गोल्ची बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोल्ची बॉडी बोलेंगे। दोस्तों देखो सिंगल सिस्टेनाइन सैक इज कॉल्ड गोल्ची बॉडी। देखो जो आपको ये दिख रहा है गोल्ची बॉडी का, मैंने डायग्राम बताया था, सेल का डायग्राम बताया था, उसके अंदर गोल्ची बॉडी बताई थी। क्या बताई थी? गोल्ची अपरेटस बताए थे, गोल्ची बॉडी बताई थी। तो ये गोल्ची बॉडी का क्या एक पार्ट है? गोल्ची अपरेटस का क्या एक पार्ट है? किसका पार्ट है? गोल्ची अपरेटस का पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ची बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्ची बॉडी। गोल्ची बॉडी किसको बोलेंगे? सिंगल क्रिस्टल सैक को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? सिंगल क्रिस्टल सैक को बोलते हैं। क्या? गोल्ची बॉडी। देखिए स्ट्रैक ऑफ सिस्टेनाइन सैक इज कॉल्ड गोल्ची अपरेटस। बोले तो सेट है। क्या है? सेट है। किसका? किसका सेट है? क्रिस्टेनाइन सैक का। देखो एक दो वन टू थ्री, कितने हो गए? थ्री, और भी काफी सारे होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? गोल्ची अपरेटस बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? गोल्ची अपरेटस बोलते हैं। देखिए आगे देखिए, स्टैक ऑफ क्रिस्टल सैक विद एसोसिएट वेसिकल्स इज कॉल्ड गोल्ची कॉम्प्लेक्स। देखिए ये आपके क्या है? ये क्या है? सिस्टेनाइन सैक है। क्या है? सिस्टेनाइन है। सिस्टेनाइन सैक का सेट है पूरा, वन टू थ्री सेट है। सेट है। क्या है? सेट है, स्टैक। इसके साथ में क्या है? वेसिकल्स अटैच है, एसोसिएट विद द वेसिकल्स। किसके साथ में? इसके साथ में। कौन? क्रिस्टल्स के साथ में। तो हम इसको क्या बोलेंगे? गोल्ची कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्ची कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखो हम बात करते हैं गोल्ची अपरेटस के फंक्शन की, बात करते हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं गोल्ची अपरेटस का। तो पहला फंक्शन देखिए क्या क्या, कंसंट्रेट विद द सेल सिक्रेशन। क्या करता है? सेल को सिक्रेशन, जो सेल सिक्रेशन करती है, जितनी भी सेल वो सिक्रेशन करती है, कौन करवाता है सिक्रेशन? आपका गोल्ची अपरेटस करवाता है। कौन करवाता है? गोल्ची अपरेटस करवाता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व्ड इन मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या करता है? मॉलिक्यूल्स के मॉडिफिकेशन के अंदर भी इसका रोल होता है, इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कौन? आपका गोल्ची अपरेटस मेरे दोस्तों। देखिए मोस्ट मॉडिफिकेशन आर एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन टू द प्रोटीन एंड लिपिड। देखिए जो मोस्ट मॉडिफिकेशन है गोल्ची बॉडी का वो क्या होगा? आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट किसके साथ में? प्रोटीन के साथ में और लिपिड के साथ में क्या होता है? एडिशन होता है, जुड़ता है। तो क्या बनाता है? देखो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन क्या है? मॉलिक्यूल्स। एक तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ये भी काम कौन कर रहा है? आपका गोल्ची बॉडी कर रहा है। कौन कर रहा है? गोल्ची बॉडी कर रहा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। हमने पढ़ा क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पढ़ा हमने? कौन सा पार्ट होता है? क्या नाम है? डिस्कवरी किसने की थी साइटोप्लाज्म के अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ओरिजिनल्स आते हैं? जो हमने पढ़ा पहला कौन सा? गोल्ची अपरेटस। किस बारे में? किसके बारे में पढ़ा? गोल्ची अपरेटस के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एसएस ले लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं, करते हैं हम किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या होता है? देखिए लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम इट इज द कंसिस्ट ऑफ लाइसोजाइम। क्या है? आपका जो लाइसोसोम है क्या कंसिस्ट रखता है, क्या कंटेन होता है उसके अंदर? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम्स क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? हाइड्रो
लाइटिक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। क्या है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है आपका, क्या लाइसोसोम, क्या है लाइसोसोम, लाइसोजाइम, क्या है लाइसोजाइम, क्या है आपका एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, कौन सा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है लाइसोसोम आपका। देखिए एंजाइम क्या करता है, देखिए कोई भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूल, क्या है कोई भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूल किसके अंदर, जो सेल के अंदर एंटर कर जाता है, क्या कर जाता है एंटर कर जाता है उसको, जैसे मान लो कि लाइसोसोम क्या करेगा, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है कौन आपका हाइड्रोलिक एंजाइम, यहां बोल सकते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, कौन सा लाइसोजाइम एंजाइम। देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, इसको हम क्या बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सेल का क्या बोला जाता है सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्या करता है इट डिस्ट्रॉय फॉरगन बॉडी लाइक, जैसे मान लो अगर क्या ये क्या करता है सुसाइडल लाइसोसोम क्या करेगा, जो डिस्ट्रॉय करता है किसको फॉरगन बॉडी लाइक, जैसे बैक्टीरिया वगैरह आगे बाहर से उनको क्या करने का काम करता है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है लाइसोसोम करता है, क्या करता है लाइसोसोम करता है। देखिए अगली बात करें फाउंडर ऑफ लाइसोसोम, क्या है फाउंडर ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फाउंडर कौन है, तो क्रिस्टिन रेनेडी ड्यूए, क्या हो गया क्रिस्टिन रेनेडी ड्यूए, ये क्या है आपके लाइसोसोम के फाउंडर है, क्या है लाइसोसोम के फाउंडर है। दूसरी बात करें हम किसको, देखिए सेवेंगर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, सेवेंगर ऑफ सेल किसको बोला जाता है लाइसोसोम को बोला जाता है, किसको बोला जाता है लाइसोसोम को बोला जाता है, सेवेंगर सेल ऑफ सेवेंगर, और किसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को भी बोला जाता है, किसको बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है। क्या काम करता है एक तरह लाइसोसोम की तरह ही करता है, क्या करने का काम करता है डेस्ट्रॉय करने का काम करता है, जैसे डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर क्या हो गया कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया, क्या हो गया बैक्टीरिया एंटर हो गया, डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे ब्लड के अंदर होती है ट्रैवलिंग करती है, क्या करती है ट्रैवलिंग करती है, जिस जगह बैक्टीरिया है, क्या है जिस जगह बैक्टीरिया है जाकर के बैक्टीरिया पर कर क्या करेगी अटैक करेगी, क्या करेगी अटैक करेगी उस बैक्टीरिया को किल करके अपना काम करके चलो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है तो हम क्या बोलेंगे सेवेंगर ऑफ सेल किसको बोलते हैं लाइसोसोम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं लाइसोसोम को बोलते हैं। देख हम बात कर रहे हैं और क्या बोलते हैं लाइसोसोम को, डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल, सेल के डिस्पोजल यूनिट बोलते हैं किसको लाइसोसोम को। देखिए हमने पढ़ा लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है एक एंजाइम कंसिस्ट रखता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करता है जो अब नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है उनको किल करने का काम करता है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, क्या काम करता है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्या बोला जाता है सुसाइडल बैग बोला जाता है सेल को, सेल का सुसाइडल बैग किसे बोला जाता है लाइसोसोम को बोला जाता है। फाउंडर ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फाउंडर कौन है क्रिस्टिनियन रेंडन ड्यूए है। दूसरा सेवेंगर ऑफ सेल किसके बोला जाता है लाइसोसोम को बोला जाता है, डिस्पोजल सेल किसको बोला जाता है लाइसोसोम को बोला जाता है। चलो आगे चलते हैं हमारे राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम के सब के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम्स क्या है देखिए इट इज द मेम्ब्रियस लेस ऑर्गेनेल, ये क्या है जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन लेस है, कैसा है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। दे कंटेन इसके अंदर किसके अंदर राइबोसोम के अंदर 65 आरएनए, कौन सा आरएनए आरआरएनए एंड 35 प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन से मिलकर के आपका क्या बना होता है राइबोसोम मिलकर के बना होता है। देखो क्या कंटेन होता है 65 आरएनए होता है और 35 क्या होता है प्रोटीन होता है। देखिए और अगर हम बात करें राइबोसोम को तो राइबोसोम को क्या बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो हमने लिखा राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्या है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है तो ये क्या है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे बोलेंगे राइबोसोम को बोलते हैं मेरे दोस्तों, किसको बोलते हैं राइबोसोम को बोलते हैं। देखिए इंजन ऑफ द सेल, क्या इंजन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं राइबोसोम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं राइबोसोम को बोलते हैं। हाइएस्ट इन नंबर जो राइबोसोम होता है सेल के अंदर हाईएस्ट होता है, क्या होता है हाईएस्ट नंबर्स के अंदर होता है। तो इनके अंदर भी काफी बार एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या फाउंडर पूछा जा सकता है लाइसोसोम का फाउंडर कौन है तो आंसर दीजिएगा। ठीक है सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है लाइसोसोम का, ठीक है सेवेंगर ऑफ सेल किसको बोला जाता है लाइसोसोम का, डिस्पोजल यूनिट किसको बोला जाता है लाइसोसोम का। ठीक है दूसरी बात राइबोसोम को और क्या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं किसकी सेल की, इंजन सेल किसको बोला जाता है तो बोलिए सेल का इंजन किसे बोला था इंजन ऑफ सेल, सेल का इंजन किसे बोला था राइबोसोम्स को। हाईएस्ट इन न्यूमर हाईएस्ट नंबर्स के अंदर होता है क्या आपका राइबोसोम। चलो आगे
देखिए दोस्तों बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। किसकी बात करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? नेट लाइक होता है। कैसा होता है मेरे दोस्तों? नेट लाइक होता है। कैसा होता है? नेट लाइक होता है। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिस्कवर्ड बाई, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसकी खोज किसने की थी, तो आंसर दीजिएगा इमिलो वेरेटी ने की थी। किसने की थी? इमिलियो वेरेटी ने की थी। कब की थी? इन 1902 के अंदर, 1902 के अंदर किसकी खोज की थी? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की डिस्कवरी की थी, या डिस्कवर्ड हुआ था। किसने किया था? एमिलियो वेरेटी ने की थी। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिस्कवर्ड बाय द एमिलियो वेरेटी ने कब की थी? इन 1902 के अंदर। देखिए हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के टाइप्स की बात करते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो दो टाइप का होता है। किसके आधार पर? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जो राइबोसोम है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का होता है। जो आउटर सरफेस है किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है या प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ER है वो कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सेकंड होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात करते हैं, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसकी आउटर सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होती है। तो नाम से पता चल रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो आउटर सरफेस कैसी होगी? स्मूथ होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कैसा है? रफ है, तो आउटर सरफेस कैसी होगी? रफ होगी। कैसी होगी? रफ होगी। देखिए हम बात करें राइबोसोम मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर राइबोसोम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वो सिंथेसिस करता है इसका नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का, जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है जैसे स्टेरॉइड हो गया, हॉर्मोन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इनका सिंथेसिस करता है कौन? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए इट इज द आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन टू टॉक्सिक सब्सटेंस। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये? अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है, उसको पता लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है कौन? किसके लिए? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। किसके लिए? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। किसके लिए टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर हो रहा है इसके लिए, उसका पता लगाने के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। किसके लिए? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो आउटर सरफेस होती है वो कैसी होती है? रफ होती है। कैसी होती है? रफ होती है। कैसी होती है? रफ होती है। दूसरी बात, राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सरफेस है उसके ऊपर क्या राइबोसोम के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जो आउटर सरफेस होती है वो कैसी होती है? रफ होती है। दूसरी बात, ये सिंथेसिस करता है किसका? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हुआ आपका क्या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, प्रेजेंस के अंदर किसके अकॉर्डिंग होता है? राइबोसोम, जो आउटर सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की उसकी आउटर सरफेस पर जो बाहर वाली सरफेस है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है या राइबोसोम के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उनके अकॉर्डिंग कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये हुआ आपका क्या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगर क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस बोला जाता है किसका? सेल का। बिकॉज क्यों बोला जाता है? बिकॉज प्रोड्यूस एटीपी। क्या करता है? एटीपी को प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू? बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स।
किसके ऑक्सीडेशन से? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के और लिपिड के ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या करता है? एटीपी को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? एटीपी को प्रोड्यूस करता है। देखिए एटीपी क्या होती है, एटीपी की फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्रिपफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्रिपफॉस्फेट क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है। देखो दूसरी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने डिस्कवर्ड किया था या किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था? तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट वॉन कोकिलर। क्या नाम था? अल्बर्ट वॉन कोकिलर। कब किया था माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड? इन 1857, इन 1857 1857 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों? 1857। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्बर्ट वॉन कोकिलर ने की थी। कब की थी? 1857 के अंदर की थी, 1857 के अंदर की थी। देखो दूसरी बात, रिचर्ड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड एल्टम। क्या नाम था? एल्टम, रिचर्ड एल्टमन। क्या नाम था? रिचर्ड एल्टमन एक साइंस थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया बायोब्लास्ट नाम दिया। दोस्तों क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। वो बायोब्लास्ट नाम माइटोकॉन्ड्रिया का दिया। कब दिया? 1886 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? 1886 के अंदर, 1886 के अंदर, 1886 के अंदर। क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट नाम दिया था। बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था? रिचर्ड एल्टमन ने दिया था। किसने दिया था? रिचर्ड एल्टमन ने दिया था। देखिए दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाइज पॉइंट बाय, जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल विंडा। क्या नाम था? कार्ल विंडा नाम था। क्या नाम था? कार्ल विंडा, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। कब दिया था? 1898 के अंदर, 1898 के अंदर। कब दिया था? 1898 के अंदर, लगभग आफ्टर, या हम बोल सकते हैं लेटर 12 इयर्स। कब दिया था? 12 इयर्स। किसने? जब बायोब्लास्ट नाम दिया किसने? बिल्डा ने नाम दिया। किसने नाम दिया बायोब्लास्ट? किसने नाम दिया? रिचर्ड एल्टमन ने दिया। कब? 1886 के अंदर, 1886 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में कौन सा साइंटिस्ट था? कार्ल विंडा। कौन से? कार्ल विंडा, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कब? 12 साल बाद में दिया था। किसके बाद में? बायोब्लास्ट नाम दिया उससे 12 साल बाद में, लगभग कितने साल बाद में? 12 ईयर लेटर, हम बोल सकते हैं कार्ल विंडा। क्या नाम था साइंटिस्ट का? कार्ल विंडा। कब दिया था? 1898 के अंदर, 1898 के अंदर दिया था। दूसरी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट सेल का ओरिंगुला, जैसे मान लो कि सेकंड लार्जेस्ट ओरिंगुला सेल्स का, जो सेल है सेल के अंदर सेकंड लार्जेस्ट बोले तो दूसरे नंबर का बड़ा क्या है? ओरिंगुला है। क्या है? ओरिजिनल है। क्या है? ओरिजिनल। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन डबल बाउंड होती है। इसकी मेम्ब्रेन कितनी होती है? दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की स्मूथ होती है मेरे दोस्तों। कैसी होती है? स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर के बनी होती है। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। इनका रेशियो कितना होता है आउटर प्रोटीन का और लिपिड का? तो रेशियो बोलिएगा 2:1। देखिए आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की स्मूथ होती है। किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके बनी होती है। रेशियो कितना होता है इसका? 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है। देखिए चलो हम बात कर लेते हैं इनर लेयर की, जो डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनर मेम्ब्रेन की, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की रफ होती है मेरे दोस्तों। कैसे होती है? रफ होती है। कैसे होती है? रफ होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है किसका? इनर मेम्ब्रेन का, वो कितना होता है? 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1 होता है। तो हमने क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसे बोल, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एटीपी को प्रोड्यूस करता है मेरे दोस्तों। किसकी प्रेजेंस, किसके थ्रू करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड किसने किया था? अल्बर्ट वॉन कोकिलर ने किया था। कब किया था? इन 1857 के अंदर। क्या की थी? डिस्कवर्ड किया था। किसने? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसने किया था? अल्बर्ट वॉन कोकिलर ने। रिचर्ड एल्टम ने क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या दिया? बायोब्लास्ट नाम दिया। कब दिया था? 1886 के अंदर नाम दिया था। कब दिया था? 1886 के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है वो पॉइंट किसने किया था, खोज किसने थी, नाम दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। कार्ल विंडा ने दिया था। कब दिया था? 1898 में दिया था। कब दिया था? 1898 में दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ओरिंगुला सेल का है। क्या है? ओरिंगुला सेल का है। सेकंड लार्जेस्ट ओरिंगुला है। किसका? सेल का।
सेल के अंदर, ठीक है। दूसरा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। पहली मेम्ब्रेन कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेकंड मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है किसकी मिलके बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है मेरे दोस्तों, रफ होती है, बनकर के किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड से। लेकिन रेशियो अलग अलग है, ध्यान रखना इस बात का। आउटर मेम्ब्रेन का रेशियो कितना है प्रोटीन और लिपिड का, 2:1 है। क्या है, 2:1 है। इनर मेम्ब्रेन का रेशियो क्या है, 1:1 है। अगर मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए अब बात करते हैं हम किसकी, न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस की। देखिए बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गिनल। जो आपका न्यूक्लियस है वो कौन सा लार्जेस्ट सेल ऑर्गिनल, क्या है, ऑर्गिनल है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गिनल कौन है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल। तो हमने लिखा इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ सेल। अगर आपसे कोई पूछे सेल का कंट्रोलर किसको बोलते हैं तो आप आंसर दीजिएगा न्यूक्लियस। क्या होता है दोस्तों न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियन। क्या बोलते हैं, कैरियन। क्या बोलते हैं, कैरियन। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैरियन। क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैरियन। न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, एक तो कंट्रोलर ऑफ सेल, क्या बोलेंगे, कंट्रोलर ऑफ सेल, और क्या बोलते हैं, कैरियन। किसको, न्यूक्लियस को। देखिए अगली बात करें तो डिस्कवर्ड भाई रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी है, खोज है, वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी मेरे दोस्तों। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 के अंदर, 1831 के अंदर की थी। कब की थी, 1831 के अंदर न्यूक्लियस की क्या की थी, डिस्कवर्ड किया था। किसको, न्यूक्लियस को। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, इन 1831 के अंदर। किया था, इन 1831 के अंदर। दूसरी बात करें जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट होती है, क्या, कौन सी मेम्ब्रेन कंसिस्ट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट होती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। देखिए न्यूक्लियस की बात करें, देखो न्यूक्लियस की बात करें तो ये ऐसा कुछ न्यूक्लियस था। क्या था, डायग्राम के अंदर ऐसा कुछ न्यूक्लियस था। तो देखिए एक तो होती है इसकी आउटर कवरिंग, कौन सी होती है न्यूक्लियस की, आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है, आउटर कवरिंग। एक होता है आपका मिडिल पार्ट, एक कौन सा होता है, सेंटर पार्ट होता है। क्या होता है, सेंटर पार्ट। जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की, कौन सी कवरिंग है, आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इसी को बोलते हैं कैरियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, कैरियन मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, कैरियन मेम्ब्रेन है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करती है। किसको, प्रोटेक्शन का काम करती है। किसको, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है। कौन, कैरियन मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देती है। जो इसकी कवरिंग है न्यूक्लियस की, आउटर कवरिंग है। किसकी है, आउटर कवरिंग है। देखो दूसरी बात करें मिडिल पार्ट की, मिडिल पार्ट के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो न्यूक्लियस वाला बीच वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो सेंटर के अंदर जो ये डार्क जोन कलर का है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं मेरे दोस्तों। क्या प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात करें हम किसकी, न्यूक्लियस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम सिंथेसिस इन एवरी सेल। जो न्यूक्लियस है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए। किसके लिए, राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए। कोई सी भी सेल, एवरी सेल, सभी सेलों के अंदर, एवरी सेल, प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए। ये आपका क्या हुआ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ा हमने, न्यूक्लियस द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, इट इज द आल्सो कॉल्ड द कंट्रोलर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को और क्या बोला जाता है, कैरियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरियन बोला जाता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 के अंदर की थी। कब की थी, 1831 के अंदर, 1831 के अंदर की थी। न्यूक्लियस के अंदर क्या कंसिस्ट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, कैरियन बोलते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, कैरियन। फंक्शन क्या होता है इस मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। लिक्विड पार्ट होता है बीच के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या, किसके अंदर होता है, न्यूरोप्लाज्म, किसके, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर, न्यूक्लियोलस प्लाज्म के अंदर। जो सेंटर के अंदर जो डार्क जोन कलर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। जो न्यूक्लियस है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, राइबोसोम सिंथेसिस के लिए। क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एवरी सेल के अंदर। बोलिए भक्त और भगवान की जय। थैंक यू, ज्वाइन दिस फॉर माई क्लास। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।